ओम शांति 29/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, सुना सभी ने, गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर है, ओहो बाबा, आपने तो हमें जीवदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितना शुक्रिया निकलना चाहिए। प्रश्न दूसरा भी है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर है, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। गीत बजा है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर दो में है, नष्ट मोह बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिलेगा, कोई साथ मिलेगा, कोई सरकमस्टेंसेस मिलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देंगी। स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।